हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल SMT स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप ट्रेडर्स के लिए, सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूट्यूब का मेरे पास मेल आया, उन्होंने अभी जो एक मुहिम चल रही है जिसके अकॉर्डिंग आप पूरे डे के अंदर कैसे आप कर रहे हो सारी चीज़ें, पूरा आपका जैसे ट्रेडिंग डे है वो कैसे चलता है, किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हो, उसी के ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आप ट्रेड जो भी ट्रेड करते हो डे के अंदर, इंट्राडे के अंदर जाते हो, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जाते हो, तो उनके लिए कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बिगिनर्स हैं उनके भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां आप कैसे बच सकते हो, मेरे प्रोफेशनल ट्रेडिंग करियर के अंदर जो चीज़ें मैंने गलत की है उनके बारे में भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। गाइज आपको देखो मेरा डे जैसे स्टार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, आप उस हिसाब से आपका मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मैं जिस हिसाब से सोचता हूं। यहां पे आप एक चीज़ ध्यान रखना, इंडिया के अंदर अराउंड 1% के लोग यहां पे जो है वो ट्रेड करते हैं पर डे। जो टोटल यहां पे लोग हैं उनमें से 1% मुश्किल से यहां पे ट्रेड करते हैं। और यही यूएसए से मैं कंपैरिजन करूं तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर यहां पे 7% लोग ट्रेड के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हैं। अब ट्रेड के ऊपर वो फुल्ली डिपेंडेंट है, इसका मतलब उनकी इनकम जो जनरेट हो रही है वो कंप्लीटली ट्रेड पे हो रही है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है सर, ट्रेड तो हमारे समाज में ट्रेड को तो एक जुआ गेम्बलिंग इस टाइप की बात बोलते हैं, और जो ट्रेडिंग करता है उसको एक थोड़ी सी छोटी नज़र से देखा जाता है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई है और ये सबके साथ होती है, लेकिन इन लोग जो भी लोग क्रिटिसिज्म करते हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है, एक व्यापार की तरह है। अपन एक नॉर्मल बिजनेस करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, कोई सामान अपन खरीदते हैं और उसको रखते हैं, तो जब वो सामान खरीदते हैं तो अपन बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पे सोच के लेते हैं उस सामान को, कि कहीं बारिश आ गई तो वो ख़राब ना हो जाए, उसके बाद में मेरे को जो उसका प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाएगा, वो सामान ख़राब हो जाएगा। अगर बारिश आ गई और वो भीग गया, मान लो आपने कोई सामान खरीद रखा है, कोई क्रॉप खरीद रखी है, वो बारिश आ गई और वो भीग गई, तो आपको वहाँ से एग्जिट करना बहुत जल्दी ये आना चाहिए। यही ट्रेड के अंदर सेम टू सेम सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप इंट्राडे के अंदर MIS का लेवरेज लेके यहाँ पे घुस गए हो तो उसके अंदर आपको जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको एग्जिट करना आना चाहिए। अगर आपका डिसीजन रॉन्ग हो गया है, बाय द वे मार्केट की वजह से बहुत सारी सिचुएशंस होती है, उनकी वजह से आप सही थे लेकिन उसका जो आपका जो डिसीजन है वो गलत हो गया, तो आप अड़े मत रहो, ये मत सोचो, मार्केट से होप मत करो, निकलो, आपकी गलती मानो और उसके बाद में वहाँ से एग्जिट करो। यही कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। जो मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के अंदर भी यही था कि वो क्रॉप उसने ले ली, लेकिन क्रॉप जब बारिश आई तो उसके बाद में वो भीग गई है, तो अब तो वो बेचने का तो थोड़ा बहुत 2 रुपये उसको मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद में वो थोड़ा सा होल्ड कर लेगा उसको, तो उसका जो वैल्यू है वो 0 ही हो जाएगी, वो माथा पकड़े ही बैठा रहेगा। तो ट्रेड भी सेम टू सेम ऐसा ही है जैसा अपना नॉर्मल जो है यहाँ पे ग्राउंड के अंदर ट्रेड होता है। तो गाइज सबसे पहली चीज़ तो मैं यही ध्यान रखता हूँ, अगर मैं किसी ट्रेड के अंदर जाता हूँ, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं अगर डे में अगर जाता हूँ तो सबसे पहले मैं ये चीज़ ध्यान रखता हूँ कि उससे एग्जिट कैसे करना है मुझे, क्योंकि अगर मुझे एग्जिट ही नहीं करना आता तो मैं वहाँ पे फंस के रह जाऊँगा, वही चीज़ हो जाएगी जो अभिमन्यु उसके अंदर चला तो गया था लेकिन उससे उसको बाहर निकलना नहीं आता था। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है ट्रेडिंग के अंदर, मैं मेरी लाइफ के अंदर ये चीज़ बहुत ध्यान रखता हूँ। इसके लिए गाइज मैं क्या करता हूँ कि सुबह आप चाहे रात को आप ट्रेड कीजिए, उसके बाद जल्दी सो जाइए, जो भी आपके घर के काम निपटा के उसके बाद जल्दी सो जाइए, लेकिन सुबह आप हमेशा ध्यान रखिए, सुबह आप जल्दी उठिए और आपका जो ग्राउंड वर्क है, जो पेपर वर्क है वो आप जरूर कर लीजिए। मैथमेटिक वर्क है ना वो बहुत जरूरी है यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर, और आप पर्टिकुलर मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन आपको चूज करने पड़ेंगे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक, और डे के लिए तो मैं बोलूंगा 1 या 2, मैक्सिमम 2 स्टॉक से ज़्यादा यहाँ पे चूज ना करें अगर आपको इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जाना है, और उनका पूरा का पूरा पेपर वर्क करें, उनके डे बाई डे 5 से 6 डे के जो चार्ट्स हैं उनका एनालिसिस करें। मैंने आपको सिग्नल्स के वीडियो बना दिए, एनालिसिस के वीडियो और आ रहे हैं धीरे धीरे, तो उन चीज़ों को देखें, उनको अप्लाई करें, उसके बाद में जब पेपर वर्क करके आप 9:30 बजे 9:15 पे आप तैयार रहोगे तो पूरी के पूरे मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुंह धोखे आएंगे और आप उससे पहले ही सारा का सारा वर्क करके तैयार बैठे हो, तो
तो आप सोचो कि कौन यहाँ पे सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी ज्यादा है, ये चीज सबसे मेन है। और इंडिया के अंदर जो 97% लोग अनसक्सेसफुल होके वापस घर के अंदर बैठ जाते हैं, और वो भी फिर ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग बोलने लग जाते हैं, जुआ बोलने लग जाते हैं, उसका मेन रीजन यही है कि वो पेपर वर्क नहीं करते, वो एनालिसिस नहीं करते चीज़ों को। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की यहाँ पे जो है वो डिमांड रहती है कि दो दिन के अंदर ही मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे बना लूँ। अगर आप ऐसी चीज़ों के साथ, इस माइंडसेट के साथ अगर मार्केट के अंदर जाओगे तो यही होगा कि आप 5-6 मंथ यहाँ पे सस्टेन कर जाओगे, उसके बाद में आप घर पे आके बैठ जाओगे। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आपका पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ता है, उसके साथ ही आपको ट्रेड लेने हैं, वो कुछ अमाउंट के अंदर ही, आपको लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही ट्रेड लेने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। ये मैं खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं रखोगे तो आपका अमाउंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको, जो चीज़ मैं यहाँ पे डिलीवर करता हूँ इस चैनल पे, जो मैं चीज़ें डिलीवर करता हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे ही डिलीवर करता हूँ। यहाँ पे कोई भी मिसगाइडिंग, मिसलीडिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इस स्टॉक के ऊपर बताओ, ये रोज़ इस पर लोअर सर्किट लग रहे हैं, आप इस पर पॉजिटिव वीडियो बनाओ। उस पर पॉजिटिव वीडियो बना के क्यों मैं मेरे इन्वेस्टर्स को वहाँ पे फंसाऊँ, क्यों मैं यहाँ पे ऐसा काम करूँ गाइज, ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में अगर आपका पेपर वर्क हो गया है तो उसके बाद में आप देखो तैयार रहो ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के अंदर आपको सिग्नल्स, सबसे मेन चीज़ सिग्नल और न्यूज, ये दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डे के अंदर, किसी मेन ट्रेड के अंदर काम करने के लिए। और जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है इंडिसेस, मार्केट का क्या रुख है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार अपन ट्रेड तो सही ले लेते हैं, अपनी न्यूज भी पॉजिटिव होती है, उसके बाद में अपन को लगता है कि ये जो है ये स्टॉक बुलिश रहेगा या बेयरिश रहेगा, ये पहले से ही आपको पता रहता है, लेकिन उसके बाद में जो मार्केट है उसका रिवर्सल हो जाता है, अचानक से इंडिसेस का रिवर्सल हो जाता है, जो छोटी और मिड कैप कंपनी या फिर लार्ज कंपनी भी जो होगी ना वो उस मार्केट को फिर जरूर फॉलो करेगी। जो बाकी नेगेटिव हुई है तो उसको भी, एक कंपनी ऐसी नहीं है कि वो आपकी वाली कंपनी ऊपर जाती रहेगी, इन्वेस्टर उसमें भी फियर खाएंगे और वो भी नीचे जाएगी। तो इसलिए हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि कंपनी है वो मार्केट को फॉलो करती है, तो आपको भी मार्केट को ही फॉलो करना पड़ेगा, मार्केट को आपका गुरु मानना पड़ेगा, मार्केट को आपका सब कुछ मानना पड़ेगा। इसके साथ आप बहोगे, इसके साथ बहोगे तो आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे, ये मेरा यहाँ पे मानना है। अगर आप इसके विरुद्ध में आप अकेले चलोगे कि नहीं मैं मार्केट के खिलाफ हूँ, तो ये चीज़ आप कभी भी देख लेना आपको बहुत बड़ा लॉस होके ही रहेगा उसके अंदर। तीसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो यहाँ पे मेरी लाइफ के अंदर, यहाँ पे जो चीज़ों के अंदर फॉलो कर रहा हूँ, तो वो चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे एक लैपटॉप रखता हूँ, तो एक मोबाइल रखता हूँ, और एक थर्ड मोबाइल, सेकंड थर्ड डिवाइस और रखता हूँ उसके अंदर मैं, वही भी मोबाइल ही है, तो उसके अंदर मैं क्या करके रखता हूँ कि डाओ जोन्स और जो एशियन मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट हैं, इनके फ्यूचर यहाँ पे खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखो एशियन मार्केट तो अपने लगभग कुछ कंट्रीज के साथ चलते हैं, कुछ कंट्रीज के पहले बंद हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इंडिया, अभी इंडिया के रिलेशनशिप किसके साथ अच्छे चल रहे हैं, हाँ अपन सबको पता है यूएस के साथ अभी इंडिया के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। उसका मेन रीजन है चाइना के साथ यूएस और इंडिया दोनों का डिस्प्यूट चल रहा है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूएस के साथ अपने रिलेशन जो है वो स्ट्रेंथन हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी आईटी कंपनी है जिनके अंदर पहले कितने इश्यू आ रहे थे, लेकिन आज वही आईटी कंपनी सारी लॉकडाउन में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा दे रही हैं। और आपको पता होगा अपनी जितनी भी इंडिया की आईटी कंपनी है उनका मेन बिजनेस है वो यूरोप और जो यूएसए है उसके ऊपर ही डिपेंड है, मेनली यूएसए के ऊपर ही डिपेंड है। तो जो वो बिजनेस है वो कितना एक्सपांड हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, टेक महिंद्रा का भी रिजल्ट देखा अपन ने, विप्रो का भी देखा अपन ने, टीसीएस का भी देखा, सबके रिजल्ट्स इतने लॉकडाउन में भी अच्छे क्यों आए, इसका मेन रीजन यही था कि यूएस और इंडिया के साथ रिजल्ट अच्छा हो रहा है, जो ट्रेड है यूएस और इंडिया का वो ट्रेड है वो अच्छा हो रहा है। तो उससे अपन क्या चीज़ निकाल सकते हैं, उससे आप अभी जो मैं चीज़ यहाँ पे निकाल रहा हूँ वो है कि जो डाउ जोन्स है उसके फ्यूचर को, अगर मैं पूरा का पूरा यहाँ पे पूरे मार्केट जब तक चालू रहता है उसके फ्यूचर को खोल के रखता हूँ, और डाउ जोन्स जहाँ पे क्लोज होता है और जहाँ पे ओपन होता है वो भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के लिए। आगे अपन स्ट्रेटजी है वो चेंज करते रहेंगे, लेकिन अभी के जो 1-2 मंथ जहाँ तक ये जो
इलेक्शन है, यूएस के इलेक्शन खत्म नहीं होते हैं तब तक ये चीज यहाँ पे फॉलो होने वाली है, ये मेरा मानना है। यहाँ पे आप देखोगे डाउ जोन्स खोल लो फ्यूचर्स और उसके अंदर पूरा का पूरा नोटिस करो चीजों को। जब आप देखोगे वहां पे अगर एक स्टिप फॉल आता है तो आप ये कंफर्म मान के चलो अपनी इंडिसेस उसको फॉलो जरूर करेगी। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पिछले 2 मंथ के अंदर ये मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप ये चीज़ आप खुद फॉलो करके खुद ये एनालिसिस करके देख सकते हो और आप बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट भी लेते होंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन ही नहीं है ट्रेडर हैं, वो फॉरेक्स ट्रेडर भी बहुत सारे रहते हैं, दूसरी कंट्रीज के ट्रेडर भी जो बहुत सारे यहाँ पे रहते हैं जो ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो मानते हैं, अमेरिकन चीज़ को वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करके उस चीज़ को मानते हैं, उसके हिसाब से एग्जिट लेते हैं मार्केट से, उसके हिसाब से शॉर्ट करते हैं, उस हिसाब से वो बाई करते हैं, जिसकी वजह से अपना मार्केट है काफ़ी यहाँ पे वोलेटाइल रहता है। क्योंकि अब अपना मार्केट अकेला इंडिया का मार्केट नहीं रहा है, वो ग्लोबलाइज मार्केट हो चुका है। आपको ये चीज़ यहाँ पे माननी पड़ेगी और आपको उस मार्केट के फ्यूचर्स को यहाँ पे फॉलो करना ही पड़ेगा आज के टाइम पे तो कम से कम। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया कि मेरा जो सेशंस है, मेरा जो एज ए लाइफ एज ए ट्रेडर कैसे निकल रही है, उसके अंदर क्या करता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, उसके बाद पेपर वर्क करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर वर्क के बगैर आप ट्रेडिंग के अंदर नहीं जाओ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस दिन ट्रेड करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ, आप भी नहीं करो जब आपका पेपर वर्क ही नहीं है, आप दूसरों की कॉल्स के ऊपर डिपेंड रहते हो, तो वो चीज़ कितने दिन तक सक्सेस रहेगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद में आप उसको इल्ज़ाम दिलाओगे, उसको इल्ज़ाम लगाओगे तूने मेरे को लॉस करवा दिया। तो इससे अच्छा आप ही इन चीज़ों को सीखो, ग्रेब करो, धीरे धीरे छोटे ट्रेड से स्टार्ट करो और बड़े ट्रेड की तरफ जाओ, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। उसके बाद में मैं दूसरी चीज यहाँ पे फॉलो करता हूँ इंटरनेशनल मार्केट्स को, सिग्नल्स को, पेपर वर्क जो मैंने किया है उसको, और ये सारी चीज़ों को मैं फॉलो करके अगर ट्रेड के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे एक्यूरेसी 75 से 80% के अराउंड यहाँ पे एक्यूरेसी रहती है। बाकी जो 25% यहाँ पे बच गया वो तो कोई भी यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, वो तो यहाँ पे मार्केट न तो मार्केट के अंदर कर सकता है न यहाँ पे अपने बाजार के अंदर कर सकता है कि आज इस सब्जी का भाव ये है तो कल क्या रहेगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर, वैसे ही मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है उसके ऊपर वो चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये वीडियो था कम्प्लीटली जैसे मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ वो चीज़ें यहाँ पे बतानी थी, मेरे पास मेल आया था तो ये सारी चीज़ें मेरे को एकदम से होनेस्टली ये डिस्कस करनी थी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत सारे सिग्नल्स का यूज करता हूँ जो धीरे धीरे एक एक वीडियो के अंदर मैं बताता जा रहा हूँ आपको, जो चीज़ें मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ जो आपको भी काफ़ी बेनिफिशियल होगी, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उनको देखिए आप, वॉच कीजिए बार बार ताकि आपका जो नॉलेज है वो इन्हांस होगा। जबकि मैं उनको इसलिए कम बनाता हूँ क्योंकि वो बहुत बोरिंग होती है, वो अगर अपन कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं ना वो बोरिंग होगी ही होगी, तो इसलिए मैं उन लेक्चर्स थोड़े से बड़े चले जाते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि सर नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बड़ा बना दिया, तो बड़ा तो भाई साहब जब नॉलेज भी आपको चाहिए तो बड़ा तो वीडियो बनेगा ही बनेगा, उसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये था कि एज ए ट्रेडर मैं कैसे यहाँ पे काम करता हूँ पूरे दिन के अंदर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।